हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ओके, सो ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स होते हैं M1, M2, M3, M4, और जो M0 होता है इसको हम प्राइमरी मनी या रिजर्व मनी भी कहते हैं। ये सारे टर्म्स आपको इस लेक्चर के एंड तक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो इन टर्म्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मॉनेटरी एग्रीगेट्स मेजर कौन करता है और क्यों करता है। तो देखिए, मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो हैं, ठीक है, इन्हें मेजर करने का काम आरबीआई करती है। ठीक है, आरबीआई इन्हें मेजर करती है और अपने वीकली मैगजीन या फोर्ट नाइट बेसिस पे, यानी कि जो 14 दिन बाद जो उनके पब्लिकेशंस आते हैं, तो आफ्टर 7 डेज या 14 डेज या मंथली मैगजीन्स में आरबीआई इन मॉनेटरी एग्रीगेट्स डेटा को पब्लिश करती है। अब सवाल है कि M1, M2, M3, M4 को आरबीआई मेजर क्यों करती है? तो इन मॉनेटरी एग्रीगेट्स को मेजर करके आरबीआई को ये पता चलता है कि हमारे इकोनॉमी में टोटल मनी सप्लाई कितना है। ठीक है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमें अपने इकोनॉमी के अंदर टोटल मनी सप्लाई को मेजर करना है तो हमें इन टर्म्स को मेजर करना होता है। वो कैसे करते हैं, इसमें सारे टर्म्स क्या हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। अब सवाल ये है कि आरबीआई किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, मनी सप्लाई को क्यों मेजर करती है? बिकॉज जो हमारे इकोनॉमी के अंदर टोटल मनी सप्लाई है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक हैं उनकी टोटल परचेजिंग पावर कितनी है। यहाँ पे जब भी मैं पब्लिक वर्ड यूज करूँगा तो पब्लिक का मतलब है ऑल द एंटिटीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट, यानी कि एवरीथिंग एक्सेप्ट गवर्नमेंट, यानी कि सभी इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं अपने देश के सभी हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूँ, सभी फर्म्स की बात कर रहा हूँ, यानी गवर्नमेंट को छोड़ के सभी इकोनॉमिक एंटिटीज पब्लिक के अंदर आएंगे। अब आप देखिए, तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स, अगर मैं खास करके M3 की बात करूँ, तो M3 जो है ये ब्रॉड मनीज को कहते हैं। ये हमारे इकोनॉमी की टोटल, जो हमारे इकोनॉमी में जो पब्लिक हैं, पब्लिक के टोटल परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास जो टोटल पैसा है, ठीक है, या पब्लिक के पास जो टोटल पैसा हो सकता है उसको मेजर करता है। तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स को आरबीआई मेजर करती है। इन मॉनेटरी एग्रीगेट से आरबीआई को ये पता चलता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है। उससे आरबीआई को ये पता चलता है कि हमारे इकोनॉमी में जो पब्लिक है उनकी टोटल परचेजिंग पावर कितनी है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि इकोनॉमी में कितना एग्रीगेट डिमांड क्रिएट हो सकता है, और एग्रीगेट डिमांड से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस तय होते हैं। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेगा, और प्राइस का बढ़ना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। तो बेसिकली आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को 4% ±2%, यानी 2% से 6% तक रखना चाहती है। अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे है, इट रिप्रेजेंट्स इकोनॉमिक स्लो डाउन, और अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, डिजायर्ड लिमिट से ज़्यादा है। तो 2% से नीचे होना या 6% के ऊपर होना अगर इन्फ्लेशन है, इसका मतलब है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई। ठीक है, अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा होती है वो ये होती है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो मैंने आपको आरबीआई के सभी जो आपके क्वांटिटेटिव
मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये सारे टर्म्स मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि RBI अगर इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के रेट को बढ़ा देती है तो इससे दो इफेक्ट आता है इकोनॉमी में। पहला, बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है। अगर CRR SLR बढ़ जाएगा तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है, और बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बढ़ने से बैंकों को चूंकि ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, तो बैंक लोन्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो जो भी फॉर्म्स बोरो करते हैं बैंक से उनकी लोन लेने की विलिंगनेस कम हो जाती है, बिकॉज अगर उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो वो बोरो करने के लिए लेस विलिंग होते हैं। यानी CRR SLR बढ़ने से बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब के बढ़ने से बैंक का लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कम लोन लिए जाते हैं जिससे मनी सप्लाई कम होती है। मनी सप्लाई कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होता है, प्राइसेस कंट्रोल रहती हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। और अगर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के रेट को घटा देंगे, अगर RBI अपने मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के रेट को घटा देगी, इसका मतलब है बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। तो बैंक ज़्यादा लोन देंगे लो इंटरेस्ट पे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन जब भी प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ती है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर मोटिवेट होता है, वो और प्रोडक्शन करता है, यानी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होती है, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। रियल GDP क्या होता है? इंक्रीज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये RBI की मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा, ठीक है। तो मनी सप्लाई देखिए, अब आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा एम होता है, RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का जो पूरा एम है वो है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। यानी मनी सप्लाई को उस ऑप्टिमल लेवल पे रखना जहाँ पे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी मतलब अचीव हो सके, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट हो। अब मनी सप्लाई कितना है, तो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, लेकिन अगर RBI को ये जानना है कि ओके यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स हमारे मॉनेटरी पॉलिसी से आखिर में मनी सप्लाई है कितना इकोनॉमी में, तो उस मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, यानी M1, M2, M3, M4 को मेजर करते हैं। तो ये तो पूरा इसका बेसिक्स हो गया। अब बात कर लेते हैं इन टर्म्स की। अगर मैं आपको M1, M2, M3, M4 पढ़ाऊं तो आप देखो इसमें जैसे कि अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 कहता है C+DD+OD, ये टर्म्स हैं, ठीक है। C कह रहा है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD कह रहा है नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। इसका मतलब है कि अगर हमें M1, M2, M3, M4 पढ़ना है तो हमें ये समझना होगा कि जो बैंक्स होते हैं, जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, तो सभी कॉमर्शियल बैंक और जो पोस्ट ऑफिस बैंक हैं, ठीक है, उनमें कितने तरह के डिपॉजिट होते हैं और उन डिपॉजिट्स को लेके बैंक की किस तरह की लायबिलिटी होती है, ठीक है। और लायबिलिटी के साथ साथ हम ये देखेंगे, देखिए M1 जो होता है वो 100% लिक्विड होता है, ठीक है, M1 को नैरो मनी कहते हैं। M2 भी नियरली 100% लिक्विड होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 100% बट नियरली 100% लिक्विड, इस M2 को भी नैरो मनी कहते हैं। M3 ब्रॉड मनी होती है, M4 ब्रॉड मनी होती है। नैरो और ब्रॉड क्यों है इसका भी आपको कारण समझ में आएगा, प्लस M1 100% लिक्विड क्यों है ये भी हम समझ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें बैंक डिपॉजिट्स को समझना जरूरी है। तो एक बार के लिए ब्रीफली देखते हैं। देखिए आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक में चले जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक में बेसिकली आप तीन तरह के अकाउंट्स खोल सकते हैं। पहला होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट,
और तीसरा होता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट, या उसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो आप टर्म डिपॉजिट अकाउंट कहें, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहें, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहें, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। सबसे पहले हम करंट अकाउंट डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक्स के अंदर करंट अकाउंट डिपॉजिट सिर्फ बिजनेस एंटिटीज ओपन करते हैं, बिकॉज करंट अकाउंट डिपॉजिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है। यानी आपके अमाउंट ऑफ विड्रॉवल के, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विड्रॉवल पे भी लिमिट नहीं होती है। आपके खाता में जितना पैसा है आप निकाल लो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपके खाता में जितना पैसा है उसको आप जितने भी चाहो एक दिन में ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और अमाउंट ऑफ विड्रॉवल पे लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए करंट अकाउंट डिपॉजिट बिजनेस एंटिटीज खोलते हैं, बिकॉज उनको बहुत सारे ट्रांजेक्शन से डील करना होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो जब भी वो कुछ भी सेल करते हैं तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, जब भी वो कुछ बाई करेंगे तो उनके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, तो उनको लार्ज ट्रांजेक्शन्स में डील करना होता है। अब आप देखोगे जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं इस पे बैंक जीरो इंटरेस्ट पे करती है, बिकॉज बैंक को वहाँ कोई फायदा नहीं है। बैंक को फायदा तब होगा जब डिपॉजिटर का पैसा बैंक के साथ एक टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाए। जब एक टाइम पीरियड के लिए पैसा बैंक के साथ फ्रीज या लॉक हो जाएगा, तभी बैंक उस पैसे को उठाकर किसी दूसरे फर्म या कॉरपोरेट को लोन देगी या इंडिविजुअल को लोन देगी, और उस लोन पे जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है वही बैंक का इनकम है। तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट पे बैंकों को कोई फायदा होता नहीं है, तो इसलिए वो जीरो इंटरेस्ट पे करते हैं। इनफैक्ट बैंक बिजनेस एंटिटीज को ट्रांजेक्शन सर्विस या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए एक डिपॉजिटर का काम कर रहे हैं जो कि उनके सभी डेबिट और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सर्विस के लिए बैंक्स बिजनेस एंटिटीज से करंट अकाउंट डिपॉजिट पे कन्वीनियंस फीस या सर्विस फीस चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट जीरो देते हैं। अब आप मुद्दे की बात समझो, बैंकों के करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है उस पे बैंक को डिमांड लायबिलिटी होती है। डिमांड लायबिलिटी का मतलब ये है, लायबिलिटी का मतलब होता है लायबिलिटी, मतलब आपकी वो जिम्मेदारी है। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब है कि एक ऐसी जिम्मेदारी जो आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, तो डिमांड लायबिलिटी का मतलब है कि जब जब जितने अमाउंट का डिमांड आएगा, मतलब जो भी अकाउंट होल्डर है वो जब भी जितना अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, जितना अमाउंट विड्रॉ करने के लिए वो बैंक्स को रिक्वेस्ट भेजेगा, बैंक को उसकी वो सारे विड्रॉवल डिमांड्स को फुलफिल करनी पड़ेगी। तो करेंट अकाउंट पे डिमांड्स आ रहे हैं, विड्रॉवल डिमांड्स आ रहे हैं, बैंक उन्हें फुलफिल कर रहा है, तो बैंक के पास, तो बैंकों को वहाँ पे डिमांड लायबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कि जितने भी डिमांड विड्रॉवल्स हैं उनको फुलफिल करने की लायबिलिटी होती है। अब एक बार टर्म डिपॉजिट अकाउंट पे आते हैं, तो मैंने कहा टर्म डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तीनों एक ही बात है। अब आप अगर FD या टर्म डिपॉजिट में पैसा डालते हैं तो ये एक टाइम पीरियड के लिए बैंक के साथ लॉक हो जाता है। ठीक है, और यही बैंक के लिए सबसे अच्छा एसेट होता है, बिकॉज इसी को बैंक बहुत मतलब सेफली लोन देते, मतलब बैंक के लिए बहुत सेफ होता है, बिकॉज उनको पता है कि हमारी जो पेमेंट लायबिलिटी है वो इस टाइम पीरियड के बाद है। मतलब जितना भी उस FD की मैच्योरिटी पीरियड होगी, मान लीजिए आपने बैंक में 1 साल का FD करा दिया, तो आपको बैंक आपका अमाउंट रीपे करेगा या रीपे करने की लायबिलिटी उसको पता है कि 1 साल बाद आएगी, यानी वहाँ पे टाइम लायबिलिटी है। उसको पता है कि 1 साल के अंदर आप डिमांड नहीं क्रिएट करने वाले हो अमूमन तौर पे, पर उसे ये पता है कि जैसे ही ये मैच्योर हो जाएगा आई हैव टू, वे जो भी डिपॉजिटर है अगर विड्रॉ करना चाहेगा तो मुझे उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है। तो टर्म डिपॉजिट अकाउंट पे बैंकों को प्योरली टाइम लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब आप एक बात और समझ लो, अगर आपने बैंक में FD कराया इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके मैच्योरिटी से पहले उसे तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब निकाल नहीं सकते हैं। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले
पैसा निकालना है तो आपको अपनी एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी, और जब आप एफडी ब्रेक करते हैं तो आपको लॉस होता है, बिकॉज जो आपका टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है उस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से यूजुअली 1.5 या 2% ज़्यादा मिलता है। तो जब भी आप अपनी एफडी ब्रेक करेंगे तो आपको वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे करेंगे जो कि सेविंग अकाउंट पे पे करेंगे। साथ ही साथ चूँकि बैंक का उस पर कोई डिमांड लाइबिलिटी तो था नहीं, ठीक है, वो तो टाइम लाइबिलिटी थी, तो जब आप जाकर अगर आज आप बोलेंगे बैंक को कि मुझे अपनी एफडी तोड़नी है तो आज के आज बैंक आपको पैसा नहीं देगा, बिकॉज उस पर कोई डिमांड लाइबिलिटी थी ही नहीं। नियम अनुसार तो 1 साल बाद आपको पैसे निकालने चाहिए थे, पर आपने इमरजेंसी में मांगा तो बैंक मैनेजर आपको बोलेगा ठीक है आप कल परसों या 2 दिन बाद आइएगा और आप ब्रेकअप में अपने पैसे ले लीजिएगा, कि पहले 4 लाख फिर 6 लाख जितना भी अमाउंट है और बैंक जितना आपको विड्रॉल फैसिलिटी दे सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है करेंट अकाउंट डिपॉजिट पे बैंकों को प्योरली डिमांड लाइबिलिटी होती है, टर्म डिपॉजिट यानी एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट पे बैंकों को प्योरली टाइम लाइबिलिटी होती है। अब बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पे। देखिए सेविंग अकाउंट बेसिकली हाउस होल्ड्स या इंडिविजुअल्स खोलते हैं, ठीक है, इस पे हमें मॉडरेट इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आप ये समझो कि जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है इस पे हम एक दिन में कितना मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं उस पे लिमिट होती है, प्लस एक दिन में जो हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं उस पे लिमिट होती है। और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के साथ बैंकों की दोनों लाइबिलिटी होती हैं, डिमांड लाइबिलिटी भी होती है और टाइम लाइबिलिटी भी होती है। अब समझिए कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पे बैंक का डिमांड लाइबिलिटी क्या होता है। एक दिन में, ठीक है, अगर आपका किसी बैंक में, मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, तो आप अपने सेविंग अकाउंट से एक दिन में जितना मैक्सिमम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं वो होगा डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, यानी आपके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का वो डिमांड लाइबिलिटी कहलाएगी। अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से एक दिन में आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं तो ये 1 लाख रुपए आपके डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ योर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो है वो टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होगा। ठीक है, यानी कि सेविंग अकाउंट से एक दिन में जो आप मैक्सिमम विड्रॉ करते हैं वो आपकी डिमांड लाइबिलिटी बन जाती है, उसके अलावा बाकी टाइम लाइबिलिटी होती है बैंक की। तो इस तरह से आप समझ गए तीन तरह के अकाउंट, सेविंग करेंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। टर्म डिपॉजिट प्योरली टाइम लाइबिलिटी होती है बैंक के लिए, ठीक है, कि बैंक को टाइम पीरियड पूरा होने पे आपको पैसा देना है। करेंट अकाउंट पे आप जब पैसा निकालोगे तब बैंक को देना पड़ेगा, इसलिए डिमांड लाइबिलिटी होती है। सेविंग पे एक दिन में आप जो मैक्सिमम निकाल सकते हैं वो डिमांड लाइबिलिटी ऑफ बैंक है, ठीक है, उतना आपको बैंक को देना, बैंक को वो अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको, बाकी जो बचा वो टाइम लाइबिलिटी पोर्शन हो जाएगा, टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। ये तो सारे टर्म्स हो गए, अब हम इजीली M1, M2, M3, M4 को समझ सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, देखिए बेसिकली M1, M2, M3, M4 RBI 1998 से पहले यूज करती थी। 1998 के बाद RBI ने अपनी नॉमनक्लेचर और प्रैक्टिस को थोड़ा चेंज कर दिया, तो अभी जो RBI, अगर आप RBI बुलेटिन या उनके वीकली या मंथली मैगजीन्स को पढ़ेंगे और वहाँ पे जो आपको मॉनेटरी एग्रीगेट्स के डेटा मिलेंगे वो मिलेंगे NM1, NM2, NM3। N का मतलब है न्यू, यानी कि न्यू M1, न्यू M2, न्यू M3। बेसिकली अभी M2 और M4 में आप देखेंगे कि मैं पोस्ट ऑफिस बैंक के भी डिपॉजिट्स को कंसिडर कर रहा हूँ, पर RBI अब मॉनेटरी एग्रीगेट्स कैलकुलेट करते समय पोस्ट ऑफिस बैंक के डिपॉजिट्स को कंसिडर नहीं करती है, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस बैंक के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, वो ओवरऑल कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स की तुलना में बहुत नेग्लिजिबल हैं, इसलिए RBI इग्नोर्स दें। और वैसे भी पोस्ट ऑफिस बैंक्स में जो डिपॉजिट्स हैं उनका जो कल्चर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस बैंक को लेके। देखिए पोस्ट ऑफिस बैंक बनाए गए थे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, यानी जो हमारे सोसाइटी के जो
पुअर और वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनको भी बैंकिंग सुविधा यानी बैंकिंग सर्विस से जोड़ा जा सके, इसके लिए पोस्ट ऑफिस बैंक बनाया गया। तो बेसिकली जो आपके इलाके में पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है, आपके तहसील या डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको पोस्टल सर्विस के साथ साथ बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस बैंक है इसमें आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो आप सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, पर आप करंट अकाउंट डिपॉजिट नहीं खोल सकते हैं, बिकॉज पोस्ट ऑफिस बैंक का मेन एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनका बिजनेस एंटिटीज को प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं है, तो करंट अकाउंट का कोई सेंस नहीं है। और दूसरी बात है कि जो आपके पोस्ट ऑफिस बैंक हैं ये आपको लेस वैल्यू एडिड सर्विसेज देते हैं, यानी कि आपको यहाँ एटीएम की सुविधा, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बेसिकली आप पासबुक लेके जाएंगे, पैसा जमा करेंगे, पासबुक पे चढ़ जाएगा, जब आपको विड्रॉ करना है आप विड्रॉ करेंगे, आपके पासबुक पे वो डेबिट हो जाएगा, और इस तरह से काम करता है। और बेसिकली देखिए, अगर आपने किसी कॉमर्शियल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट डिपॉजिट खोला है तो वहाँ पे जो आपको, मान लीजिए अगर वहाँ आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, तो अगर कोई सोसाइटी का वीकर सेक्शन जाके पोस्ट ऑफिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलेगा तो उसको वहाँ इंटरेस्ट रेट यूजुअली 7% मिलता है। तो मतलब कॉमर्शियल बैंक से 2-2.5% अधिक इंटरेस्ट रेट मिलते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक में, ठीक है। लेकिन पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहाँ पर देखिए, पहले क्या था, पोस्ट ऑफिस बैंक से जो एक दिन में विड्रॉल अमाउंट था वो मैक्सिमम 5,000 था, अब लिमिट 20,000 की हो गई है। तो जो आप, अगर आपका पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट है तो आपके विड्रॉ करने पे काफ़ी लिमिटेशन होती है, ठीक है, तो वो उतना लिक्विड नहीं है। अगर आप कॉमर्शियल बैंक में आपका डिपॉजिट है, ठीक है, आपका सेविंग अकाउंट है, आप जाकर अपना जो भी लिमिट है 1 लाख 2 लाख उतना पैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, या आपका बैंक जो भी मैक्सिमम डिमांड आपकी फुलफिल कर सकती है उतना पैसे आप निकाल सकते हैं। पर पोस्ट ऑफिस बैंक के पास चूंकि उतना पैसा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस ब्रांच में मौजूद नहीं होता है, इसलिए आप लिमिटेड अमाउंट निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी लेस होती है बिकॉज विड्रॉवल लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक। तो ये सारी कहानियाँ हो गई। और एक बात मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ, देखिए मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आरबीआई को जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी होती है तो आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है। उस वक्त जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है तो यूजुअली वो बैंक्स को बेचती है, ठीक है, बड़े जो आपके कॉरपोरेट्स एमएनसीज हैं उनको बेचती हैं, ठीक है, या वेल्दी इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो यूजुअली फर्म्स, बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एलआईसी, ये लोग परचेस करते हैं इन केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। पर अगर गवर्नमेंट को अपनी बॉन्ड या सिक्योरिटी पब्लिक को बेचनी है, मतलब पब्लिक मतलब इंडिविजुअल्स को, तो वो पोस्ट ऑफिस बैंक के थ्रू बेचते हैं। यानी अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है तो पोस्ट ऑफिस बैंक के पास जाएं, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच सकते हैं, इशू कर सकते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। उसका भी यहाँ पे मीनिंग यूज होगा M4 के केस में, इसलिए मैंने ये बता दिया कि पोस्ट ऑफिस बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो हमने सारे बेसिक्स देख लिए, हमने इनकी सारे कि हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स को पब्लिश, मेजर और पब्लिश कौन करता है, ठीक है, क्यों मेजर करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स को मेजर करते समय जो टर्म्स यूज होने हैं उसके लिए हमने बैंक डिपॉजिट्स और बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स को देख लिया, हमने पोस्ट ऑफिस बैंक को देख लिया। अब हम देखते हैं M1, M2, M3, M4 को, और फाइनली हम M0 को देखेंगे, फिर मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई का रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो M1 की बात करते हैं, M1 को बोलते हैं नैरो मनी, ठीक है, नैरो मनी या 100% लिक्विड मनी। 100% लिक्विड का मतलब है कि ये वो मनी सप्लाई है जो लोगों के पास हर वक्त अवेलेबल है, मतलब
अगर आप इकोनॉमी में पब्लिक के पास जाएं तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम M1 अवेलेबल होता है। M1 के बराबर पब्लिक जब चाहे किसी भी इंस्टेंट पे इतना डिमांड क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो M1 100% लिक्विड होता है। तो M1 को हम M1 इज इक्वल टू होता है C+DD+OD। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। अब मैंने आपको बोला था पब्लिक का मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर्म सब आएगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट। तो जो भी देश में लोगों के पास या फर्म्स के पास जितना कैश रखा हुआ है, ठीक है, वो टोटल करेंसी एंड क्वाइन, ठीक है। तो पब्लिक हाउस होल्ड और फर्म्स के पास जितना भी करेंसी क्वाइन है वो सी के अंदर आएगा। डीडी का मतलब होता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। नेट वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, पहले आप समझो कि डिमांड डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या हो गया। मैंने तीन तरह के अकाउंट बताए। करेंट अकाउंट पे बैंकों की डिमांड लाइबिलिटी होती है तो वो पूरा डिमांड डिपॉजिट हो गया, यानी कि करेंट अकाउंट से जो भी बिजनेस एंटिटी है अपना पूरा पैसा निकालना चाहे तो किसी भी टाइम पे निकाल सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही साथ मैंने बोला था कि जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है उसमें भी डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन होता है जो आप एक दिन में मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का जो डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन है वो पूरा और करेंट अकाउंट डिपॉजिट पूरा, ये आएगा आपका डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। जब भी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स की बात करेंगे तो पूरा का पूरा बैंकों का करेंट अकाउंट डिपॉजिट प्लस डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। अब नेट वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? नेट का मतलब है कि हम इंटर बैंक डिपॉजिट को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कारण समझिए। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक ने अपना 100 करोड़ पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किया हुआ है तो ये इंटर बैंक डिपॉजिट हो गया, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का 100 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट है तो ये डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा बिकॉज ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। देखिए पंजाब नेशनल बैंक का ये जो पंजाब नेशनल बैंक के पास जो वो 100 करोड़ हैं जो इसने यहाँ जमा किया वो 100 करोड़ पब्लिक से ही तो आया, यानी पब्लिक का चाहे वो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट हो या फिर पब्लिक का वो जो टाइम लाइबिलिटी वाला यानी टर्म डिपॉजिट हो। तो पब्लिक का डिपॉजिट उठाकर मतलब पब्लिक डिपॉजिट का 100 करोड़ उठा के अगर वो PNB बैंक ऑफ बड़ौदा में रखती है तो अगर हम उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में ये काउंट करेंगे, ठीक है, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा के पहले तो पूरा का पूरा डिमांड डिपॉजिट यानी करेंट और डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट ये काउंट कर रहे हैं। प्लस अगर हम ये भी काउंट करेंगे और उधर अगर हम उसको काउंट करेंगे PNB में तो PNB में भी जो हम टोटल पब्लिक डिपॉजिट जब भी काउंट करेंगे तो 100 करोड़ काउंट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इंटर बैंक डिपॉजिट को इसलिए नहीं काउंट करते हैं बिकॉज इससे डबल काउंटिंग होता है, क्योंकि बैंकों के पास जो भी डिपॉजिट आया है वो पब्लिक का है। तो अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में पूरा पब्लिक डिपॉजिट कंसिडर कर रहे हैं और हम PNB का भी पूरा पब्लिक डिपॉजिट कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने काउंट कर लिया। अब एक बैंक अगर अपना पैसा दूसरे बैंक में डालेगा यानी कि वो पब्लिक का पैसा वहाँ भी काउंट हो रहा है, इस बैंक में भी काउंट हो जाएगा। इसीलिए इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं लिया जाता है टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। अब आप समझ गए। तो M1 का मतलब है देश में जो भी हाउस होल्ड फॉर्म्स लोग हैं उनके घर में उनके जेब में उनके तिजोरी में जितना भी करेंसी क्वाइन है वो टोटल वैल्यू प्लस सभी बैंकों के अंदर जो भी करेंट अकाउंट में जितना पैसा है वो प्लस सभी देश के बैंकों में सेविंग अकाउंट में जो डिमांड लायबिलिटी पोर्शन है वो पूरा, ठीक है, डीडी कहलाएगा। अब ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या आता है, दीज आर द डिपॉजिट्स विद RBI हेल्ड बाई सर्टेन इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस, यानी कि RBI के पास भी कुछ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस के जो डिपॉजिट होते हैं वो काउंट होंगे। इंडिविजुअल्स का मतलब है कि जो RBI गवर्नर और जो RBI फॉर्मर गवर्नर्स हैं उनको ये प्रिविलेज होता है कि वो RBI के साथ अपना अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो फॉर्मर RBI गवर्नर के जो भी वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं या सर्टेन इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक या किसी अदर इंटरनेशनल बैंक अगर पैसा RBI के पास डिपॉजिट है तो फॉर्मर RBI गवर्नर या IMF वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का पैसा
ये अदर डिपॉजिट में आता है। तो यानी M1 हो गया आपका C प्लस DD प्लस OD, यानी M1 लोगों के पास जितना करेंसी क्वाइन है प्लस बैंकों के करेंट अकाउंट डिपॉजिट प्लस सेविंग अकाउंट का जो डिमांड लायबिलिटी पोर्शन है प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ RBI, जिसमें RBI गवर्नर और IMF का जो पैसा है, ठीक है, इतना पैसा 100% लिक्विड होता है। बिकॉज ये वो पैसा है जिससे पब्लिक, यानी अगर फॉर्मर RBI गवर्नर अपना RBI से कुल पैसा निकाल लें, लोग अपने जेब या घरों में जो पैसा रखे हैं या जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो डिमांड लायबिलिटी पोर्शन है ये सब निकाल के अगर वो बाजार में उतर जाएं, तो इतना सारा पैसा ये सारे लोग लेकर उतर जाएं तो जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इतना पैसा तो वो किसी भी वक्त इकोनॉमी में उतार सकते हैं अगर ये सारे पब्लिक चाहें तो। ये 100% लिक्विड और नैरो मनी हो गया, ठीक है। और ये दर्शाता है कि किसी भी पॉइंट पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कितना मैक्सिमम टोटल परचेजिंग पावर क्रिएट कर सकती है पब्लिक, वो M1 होता है। M2 क्या होता है? M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। ये भी नैरो मनी होता है, ये भी नियरली 100% लिक्विड होता है। मैंने कहा था ना, अगर पोस्ट ऑफिस बैंक में आपका डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट में तो आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी मतलब आप, एक तो पहले आप ऐसे समझो कि पोस्ट ऑफिस बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं वो नेग्लेजिबल हैं, पहली बात तो RBI इन्हें आप तो कंसिडर करती नहीं है, जो न्यू M1 न्यू M2 न्यू M3 मैंने आपको बताया। लेकिन चूंकि हम क्लासिकल तरीके से नाप रहे हैं इसको, हम क्लासिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे मैं ये कह रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस बैंक का जो भी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। एक दिन में पहले 5,000 निकाल सकते थे, अब 20,000 आप निकाल सकते हैं, तो वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है, इसलिए हमने उसको M2 में रखा। तो M2 इज नथिंग बट M1 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक। तो M1 में जब पोस्ट ऑफिस बैंक्स का जो टोटल सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है अगर आप उसको ऐड कर देंगे तो M2 बन जाएगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होते हैं इनके साथ डिमांड और टाइम लायबिलिटी दोनों होती है, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, हमने पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है, इसीलिए ये लेस लिक्विड हो गया, ठीक है। M3 की बात करें तो ये ब्रॉड मनी है, और M3 ही हमारे इकोनॉमी में एक्चुअली टोटल मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है, और M3 को ही RBI का न्यू M3 बोलते हैं। RBI का जो NM1 है, न्यू M1 है, वो M1 होता है, और न्यू M2 ही M3 होता है, सॉरी न्यू M3 जो RBI का है वो M3 ही होता है, मतलब हमारा जो M3 है। अब हम M3 को देखते हैं, M3 क्या कहता है? C प्लस DD प्लस TD प्लस OD, मैंने C आपको बता दिया है, C का मतलब है टोटल करेंसी विद पब्लिक, यानी घरों में लोगों के पास, हाउस होल्ड और फॉर्म्स के पास जितना भी पैसा है करेंसी कॉइन। DD मैंने बता दिया था नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, पूरा का पूरा करंट अकाउंट और डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। TD का मतलब आप समझिए नेट टाइम लायबिलिटी डिपॉजिट विद बैंक, नेट का मतलब है कि यहाँ भी इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं कंसिडर होंगे, यानी कि अगर PNB ने कोई FD कर रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो वो नहीं काउंट होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम लायबिलिटी डिपॉजिट विद बैंक क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जितना पैसा है पब्लिक का वो पूरा, प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में जो भी टाइम लायबिलिटी पोर्शन था वो पूरा। तो आप ये देखिए कि M3 में अब हमने पूरा का पूरा बैंक डिपॉजिट ले लिया। आप किसी भी बैंक में जाएं, कोई भी कॉमर्शियल बैंक ले लें, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, किसी भी बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है वो होता है DD प्लस TD, इसी को बोलते हैं NDTL, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विद बैंक, ठीक है। तो NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विद बैंक जो होता है वो बैंक की टोटल लायबिलिटी, टोटल टाइम लायबिलिटी, टोटल डिमांड लायबिलिटी, जब आप उसको ऐड कर देंगे
तो पूरा का पूरा टर्म डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, पूरा का पूरा डिपॉजिट आ जाता है। इसीलिए M3 में अगर मैं DD प्लस TD को एक साथ मर्ज कर दूं तो ये बन जाएंगे NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विद बैंक, और उसी को हम कहते हैं टोटल पब्लिक डिपॉजिट्स विद बैंक। तो M3 का मतलब क्या हो गया, लोगों के पास जितना पैसा है हाउस होल्ड फॉर्म्स प्लस बैंकों में जो टोटल डिपॉजिट है प्लस अदर डिपॉजिट, यानी जो फार्मर RBI गवर्नर्स का जो RBI में अकाउंट और वहाँ डिपॉजिट है उनको आप ऐड कर लीजिए, और बाकी IMF के डिपॉजिट। तो M3 जो है ये हमारी इकोनॉमी की टोटल मनी सप्लाई रिप्रेजेंट करती है, यानी पब्लिक के पास जितना करेंसी क्वाइन है, बैंकों में टोटल पब्लिक डिपॉजिट सभी अकाउंट में, प्लस दो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर्स और IMF का पैसा जो RBI के अकाउंट में है वो। M4 क्या है, M4 इज जस्ट लाइक M2। M3 में अगर आप पोस्ट ऑफिस बैंक का टोटल डिपॉजिट ऐड कर दे तो M4 बन जाता है, और ये ब्रॉडेस्ट मनी है। ठीक है, अब टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, मैंने बताया था कि पोस्ट ऑफिस बैंक में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट यानी FD भी आप खुलवा सकते हैं। तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस बैंक का हमने सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट दोनों ले लिया, तो M4 क्या हो जाएगा, M3। अगर M4 को मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो M4 क्या हो जाएगा, M3 प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक प्लस टर्म डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, अगर उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम RBI फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज M3 को यूज करती है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो 1998 के बाद से जो RBI नॉमनक्लेचर या जो प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स यूज करती है वो NM3 है, और NM3 इसलिए है बिकॉज वो पोस्ट ऑफिस बैंक डिपॉजिट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज वो ओवरऑल डिपॉजिट्स, ओवरऑल बैंक डिपॉजिट के सामने अगर हम तुलना करें तो वो एकदम नेग्लेजिबल है। तो ये तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हो गए। M1 नैरो मनी है, ये 100% लिक्विड है, लोगों के पास पैसा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट। M2 क्या है, M1 में पोस्ट ऑफिस बैंक का सेविंग अकाउंट डिपॉजिट ऐड कर दीजिए। M3 लोगों के पास टोटल पैसा प्लस टोटल बैंक डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। M4 क्या है, टोटल लोगों के पास पैसा, बैंक के पास पैसा, अदर डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस बैंक का टोटल डिपॉजिट जोड़ दीजिए। यही है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। अब आता है एक टर्म M0। अब देखिए M0 जो है ये RBI की टोटल मॉनेटरी ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है। इससे क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉमिस, ठीक है, जिसे पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप एक बात समझिए, आप 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 या 2000, ठीक है, 2500 या 100 रुपये, कोई भी नोट आप लें तो उस पर लिखा होता है सबसे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीचे लिखा होता है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉमिस टू पे द बियरर दिस अमाउंट। ओके, यानी मतलब मुझे एग्जैक्टली वो टर्म्स याद नहीं है, पर कुछ ऐसा ही लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी इस नोट को, जो भी इस नोट का बियरर या होल्डर है उसको प्रॉमिस करता है कि जितना पैसा इस नोट पे लिखा है उतना उसको मिलेगा, ठीक है, उतना वर्थ उसे मिलेगा, ठीक है, और नीचे RBI गवर्नर का साइन होता है। अब इसका मतलब ये है, M0 क्या हुआ, M0 ये है कि RBI ने जितना भी करेंसी नोट्स, समझिए ध्यान से सुनिएगा, RBI ने जितना करेंसी नोट इशू कर दिया, मतलब RBI, देखिए RBI करेंसीज को प्रिंट करती है थ्रू मिनिमम रिजर्व सिस्टम। RBI ने करेंसी को प्रिंट करके अगर अपने पास रखा है, ठीक है, अभी तक उसने मार्केट, अभी तक उसने इशू नहीं किया इकोनॉमी में, तो वो काउंट नहीं होगा। RBI ने जितना करेंसी इशू कर दी है वो टोटल इशूड करेंसी M0 कहलाती है, और वही RBI की टोटल मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है। यानी कि RBI ने जितना करेंसीज इशू कर दिया है, अगर वो सारा करेंसी, सारे बैंक, इकोनॉमी से, सब जगह से लोग,
पब्लिक सब जगह से वो सारा करेंसी नोट अगर मैं इकट्ठा करके लेके जाऊं आरबीआई के पास और मैं कहूं कि मुझे इसके इक्वलेंट वर्थ दो, बिकॉज आपने प्रॉमिस किया है कि आरबीआई विल पे द बियरर दिस वर्थ, ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आरबीआई को उसका वर्थ पे करना पड़ेगा। अब उसका वर्थ वो गोल्ड में मुझे दें चाहे फॉरेक्स रिजर्व में दें, जो भी दें, पर एक्चुअली ऐसा होगा नहीं कि कोई लेकर जाए और मांगे, पर ये आरबीआई की मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है, कि ऑब्लिगेशन का मैंने मतलब ही मतलब बताया था कि जो आपने प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी। तो आरबीआई ने क्या प्रॉमिस किया हर एक नोट पे कि जो भी होल्डर या बियरर है मैं उसको इसका जितना वर्थ लिखा है उतना दूंगा, तो मैं सारा का सारा इशूड करेंसी, और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको 2021-22 तक का डेटा बताऊं तो 2021-22 तक आरबीआई ने अब तक हमारी इकोनॉमी में टोटल 32.2 लाख करोड़ वर्थ की करेंसी इशू की है। तो मैं अगर ये 32.2 लाख करोड़ की वर्थ की करेंसी लेकर जाऊं और आरबीआई से मांगूं तो आरबीआई को इसके इक्वलेंट मुझे गोल्ड या डॉलर देना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकली ये उसकी ऑब्लिगेशन कहलाएगी, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कोई ये सारा पैसा लेके जाएगा नहीं, प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा पैसा कोई एक इंडिविजुअल एक्वायर भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज की डेट में जो एम नॉट है, यानी टोटल करेंसी इशूड बाई आरबीआई इन द इकोनॉमी, वो है 32.2 लाख करोड़। अब जो एम नॉट है उसको आरबीआई कैसे मेजर करती है, सी प्लस आर प्लस ओडी। सी का मतलब है टोटल करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक एंड बैंक। अब आप यहां पे देखिए, टोटल करेंसी यानी कि किसी इंडिविजुअल के पास, हाउस होल्ड या फर्म्स के पास जितना टोटल करेंसी है वो, प्लस बैंकों में फिलहाल में जितना करेंसी डिपॉजिट के अंदर है वो पूरा। तो टोटल करेंसी विद पब्लिक, टोटल करेंसी डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है, वो पूरा, प्लस जो बैंकों का कैश रिजर्व आरबीआई के पास है उसे भी जोड़ना पड़ेगा, सीआरआर, जो कि आज के दिन 4.5% है। तो जो 4.5% सीआरआर बैंकों ने अपना आरबीआई के पास रखा है वो भी काउंट होगा। तो लोगों के पास सारा करेंसी, बैंक के पास तीनों अकाउंट में सारा करेंसी, प्लस बैंकों का टोटल रिजर्व विद आरबीआई, ठीक है, और अदर डिपॉजिट यानी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स और बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस के जो डिपॉजिट्स हैं इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अदर डिपॉजिट में यहाँ पे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर का डिपॉजिट आएगा। तो टोटल करेंसी विद पब्लिक, टोटल करेंसी विद बैंक, टोटल कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स विद आरबीआई, प्लस फॉर्मर आरबीआई गवर्नर्स का जो आरबीआई अकाउंट में डिपॉजिट्स हैं, इन सबको आप ऐड कर देंगे तो ये एम नॉट, और इसी एम नॉट को प्राइमरी मनी या रिजर्व मनी कहते हैं। यानी कि एम नॉट प्राइमरी मनी रिजर्व मनी का ये मतलब है कि इतना पैसा आरबीआई ने इकोनॉमी में इशू किया हुआ है, चाहे वो 100 रुपए के नोट के फॉर्म में हो, 500, 2000, तो 2000, 500, 100, 50, 20, 10, जो भी करेंसीज हैं इन सब के फॉर्म में टोटल इतना 32.2 लाख करोड़ आरबीआई ने इशू किया हुआ है, इतना वर्थ वर्थ ऑफ करेंसी। अब एम नॉट का रोल क्या है, अब आप देखिए, जो मनी सप्लाई है हम उसे एक तो मॉनेटरी एग्रीगेट्स के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई डायरेक्टली मेजर कर लेती है, ठीक है, यूजिंग दिस डेटा। दूसरा तरीका, इनडायरेक्ट तरीका क्या है, एम नॉट के थ्रू भी, अगर देखिए मॉनेटरी एग्रीगेट M3 क्या है, जो M3 है मैंने बोला ये ब्रॉड मनी है, और M3 ही हमारे इकोनॉमी की टोटल मनी सप्लाई रिप्रेजेंट करती है, तो M3 हमारे इकोनॉमी की टोटल मनी सप्लाई हो गई। हमें एम नॉट पता चल गया तो हम मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर, दैट इज स्मॉल m इंटू एम नॉट। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इंटू एम नॉट। मनी सप्लाई M3 है जो आरबीआई ने कैलकुलेट कर लिया है, एम नॉट आरबीआई ने कैलकुलेट कर लिया, आरबीआई को पता है उसने टोटल कितनी करेंसी इशू की है आज तक, ठीक है। तो टोटल लोगों के पास जो पैसा है, बैंक के पास है, जो बैंकों का कैश रिजर्व अदर डिपॉजिट, यही तो एम नॉट है। तो मनी सप्लाई M3 हो गई, एम नॉट हो गया, तो अगर हम मनी मल्टीप्लायर निकालें तो M3 अपॉन एम नॉट हो जाएगा।
और आज की डेट में जो M3 है इंडिया में, M3 की अगर मैं 2021-22 में अगर मैं M3 की टोटल वैल्यू बताऊं तो वो है 190 लाख करोड़, 190 लाख करोड़, इतना टोटल मनी सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में, यानी M3 इज 190 लाख करोड़। तो अगर आप 190 लाख करोड़ को 32.2 लाख करोड़ से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5.9 आएगा, यानी आज की डेट में जो मनी मल्टीप्लायर है वो 5.9 है। अब मनी मल्टीप्लायर क्या रिप्रेजेंट करता है? मनी मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करता है बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी। मनी मल्टीप्लायर क्या है? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक। और मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक अफेक्ट होती है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के रेट से, CRR SLR बढ़ने से बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाती है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF के रेट बढ़ने से भी बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घट जाती है। ठीक है, तो नहीं एक्चुअली में देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफरेंस मेंशन कर दूँ। देखिए, बैंकों का जो एक्चुअल क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटता है वो CRR और SLR बढ़ने की वजह से घटता है, लेकिन जब भी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF इन सब के रेट बढ़ते हैं तब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और पब्लिक लोन लेने से कतराती है। तो अगर मैं बोलूँ तो बैंकों का जो लेंडिंग कैपेसिटी है या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो मेनली CRR और SLR पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप समझ गए, मॉनेटरी एग्रीगेट्स M1, M2, M3, M4 होते हैं। M3 इज द ब्रॉड मनी, M3 हमारी टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिप्रेजेंट करती है, M1 100% लिक्विड या नैरो मनी को रिप्रेजेंट करता है, इन्हें RBI मेजर करती है और हर 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन पे इन्हें पब्लिश करती है। ठीक है, अपने RBI जो भी उनके वीकली मैगजीन्स हैं, मंथली मैगजीन्स हैं या बुलेटिन है, RBI बुलेटिन। ठीक है, और जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं बैंकों का, जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, टाइम डिमांड लाइबिलिटी वो मैंने बता दिया, उसके हिसाब से लिक्विडिटी तय होती है। जो भी डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन होता है वो 100% लिक्विड होता है, जो टाइम लाइबिलिटी पोर्शन होता है वो नहीं, वो दैट इज़ नॉट लिक्विड बिकॉज वो एक टाइम पीरियड के लिए लॉक्ड होता है बैंक के साथ, यानी आप निकाल नहीं सकते। आप निकाल नहीं सकते तो उससे आप कुछ खरीद नहीं सकते, तो खरीद नहीं सकते तो वो 100% लिक्विड कैसे हुआ? अगर नॉर्मल प्रोसेस से देखा जाए वो अलग बात है कि आप अपनी FD तोड़ दे तो अब 100% लिक्विड हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर मैंने आपको प्राइमरी या रिजर्व मनी M0 बताया कि ये टोटल RBI की मॉनेटरी ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है, या आप ये कह लें कि टोटल आज तक RBI ने कितना करेंसी इकोनॉमी में इशू किया वो M0 है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। M3 मनी सप्लाई हो गया, M0 हमें पता है, तो M3/M0 करके हम मनी मल्टीप्लायर M निकाल लेते हैं जो बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली CRR SLR पे डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड द रिलेटेड टर्म्स एंड द रिलेटेड एनालिसिस। थैंक यू सो मच।